Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the demand of Subro Jyoti, ye problem differential equation ke orthogonal trajectory se find the orthogonal trajectory of family of curve r to the power n sin n theta is equal to a to the power n. तो यहाँ पर जिस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दे रखा है वो है r टू द पावर n इंटू साइन ऑफ n थीटा इज इक्वल टू a टू द पावर n. यहाँ पर a एक आर्बिट्री कांस्टेंट है और हम सबसे पहले तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे फैमिली ऑफ कर्व का, जिसके ये देख रहे हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट एक है तो एक बार ही डिफरेंशिएशन करने की हमको इजाज़त है, एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे. पहला काम तो ये कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें. तो आसानी से निकला इसलिए हम दोनों साइड पहले लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ आर टू द पावर एन साइन ऑफ एन थीटा. टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट यहाँ पर इनटू का साइन है तो लॉग दोनों में अप्लाई हो जाएगा, मींस लॉग आर टू द पावर एन हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ साइन एन थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी पावर आगे जाएगी और लॉग ए हो जाएगा. इसमें पावर आगे ले लेंगे तो एन टाइम्स लॉग आर प्लस लॉग ऑफ साइन एन थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स लॉग ए. यहाँ पर लॉग लेना ज़रूरी नहीं है, आज कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम लोगों ने इसको लॉग ले लिया. अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये मेन चीज़ है. और इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट था तो एक ओनली वन टाइम्स ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में. पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट एन कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए और लॉग आर का डिफ्रेंशिएशन वन अपन आर होता है लेकिन ये थीटा नहीं है इसलिए डी आर ओवर डी थीटा हो जाएगा. प्लस इसको लॉग एक्स का वन अपान एक्स होता है लेकिन यहाँ पर ये यानी थीटा नहीं है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे और कॉस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा लेकिन ये भी थीटा नहीं है बल्कि एन थीटा है तो एन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन कांस्टेंट वन हो जाएगा, थीटा का वन राइट हैंड साइड जो कि कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया ज़ीरो के इक्वल. यहाँ से हमको डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेना चाहिए, मीन्स हमें तो आर्बिट्री कांस्टेंट को ख़त्म करना होता है. तो देख रहे हैं कि ए यहाँ से हट चुका है तो यहाँ पर ये कंप्लीट कहना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो फैमिली ऑफ कर्व का है. थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लें हम इसको, तो देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एन अपान आर डी आर ओवर डी थीटा प्लस एन टाइम्स कॉस अपान साइन की वैल्यू होती है कॉट एन थीटा राइट हैंड साइड में ज़ीरो. इसको हम चाहें तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर सकते हैं तो एन अपान आर डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स कॉट ऑफ एन थीटा. यहाँ से एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन जो आ गया है इसमें आर का अगर उधर इंटू कर दें तो डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू होगी माइनस आर इंटू कॉट ऑफ एन थीटा. ये इक्वेशन नंबर टू फैमिली ऑफ कर्व वन का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया. हमें निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्ट्री, तो पहले हमको मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्ट्री, वो इस इक्वेशन की हेल्प से मिलेगा और फिर हम उससे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. तो इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम निकालना चाहें कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्ट्री का इक्वेशन तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा. रिप्लेसिंग डी आर ओवर डी थीटा वाई माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर से इस इक्वेशन को रिप्लेस कर देंगे तो फैमिली ऑफ कर्व के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल जाएगा. तो बस पूरे इक्वेशन में बस यही चेंज करना है, डी आर ओवर डी थीटा की जगह पर रख दें माइनस आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी आर. तो इससे हमें जो मिल गया है इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व. तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल
ट्रेजेक्ट्री, तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। यहाँ से माइनस कैंसिल कर दें, आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आर की पावर एक बचेगी, तो आर डी थीटा ओवर डी आर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री यानी जो कर्व फैमिली ऑफ कर्व दे रखा था उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम जहाँ पर डी थीटा है उस तरफ थीटा वाले टर्म ले आए, और ध्यान रहे कि डी थीटा और डी आर को न्यूमरेटर में रखना है, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो कॉट थीटा यहाँ आ जाएगा, और हम डी आर को जब हम राइट हैंड साइड में लेंगे तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगी। इस आर को भी इसी के साइड ले आए, तो इससे वन अपान कॉट को हम टेन भी ले सकते हैं। इस टर्म को पहले लिख लें तो डी आर ओवर आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू वन अपान टेन कॉट की वैल्यू हो जाएगी टेन एन थीटा, और डी थीटा पहले से, और दोनों साइड हम इंटीग्रेट करके यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो वन अपान आर ये यहाँ पर है हमारे पास डी आर, और इंटीग्रेट करना है टेन एन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में इधर, तो और फिर हम यहाँ पर वन अपान आर का इंटीग्रेशन जानते हैं कि लॉग आर हो जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम लोग जानते हैं टेन का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग सेक एक्स होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ सेक, लेकिन यहाँ पर ये एंगल एन थीटा है, तो थीटा का जो कोफिशेंट है यानी एन उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे, जो अभी फ़िलहाल लॉग सी वन की फार्म में हम जोड़ रहे हैं, बाकी इसे मॉडिफाई करके चेंज कर लेंगे जैसा भी आसान पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट को किसी भी फार्म में जोड़ा जा सकता है। अब हम यहाँ से इस आर एन का अगर या इसको ऐसा करते हैं कि इनको साथ में लिख दें, इस लॉग आर को एक साथ में लिख देंगे, तो ये लिखा जा सकता है लॉग आर माइनस लॉग सी वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एन थीटा अपन एन। इनको अगर मिला के लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग, क्योंकि दो बार लॉग है, एक बार लिखें जो प्लस का है उससे ऊपर लिखें न्यूमरेटर में, और जो माइनस वाला है उसमें नीचे लिख दें, तो इनको मिला के एक फार्मूला लगा दिया, तो ये वैल्यू वन अपान एन इंटू लॉग ऑफ सेक एन थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं। एन का दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एन टाइम्स लॉग ऑफ आर अपान सी वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एन थीटा। तो इसमें लॉग में चूँकि इंटू होता है तो पावर में इसको ले जा सकते हैं, तो इसे लिखा जा सकता है लॉग आर अपान सी वन की पावर एन, क्योंकि लॉग में पावर आगे मल्टीप्लाई कर दी जाती है, अगर मल्टीप्लाई है तो पावर में ले जाएं इसको, और ये लिखा जा सकता है लॉग सेक ऑफ एन थीटा। अब इससे ये है कि पूरा हमारा ये लॉग लॉग इधर आ गए हैं, तो लॉग से लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो सी आर अपान सी वन होल पावर एन इज इक्वल टू सेक ऑफ एन थीटा, ये आ गया। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी टोटल का होल आप स्क्वायर कर देंगे, यानी आर की पावर एन अपान सी वन की पावर एन इज इक्वल टू सेक को लिख सकते हैं वन अपान कॉस एन थीटा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं आर की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा इज इक्वल टू सी वन की पावर एन। अब यहाँ पर जो सी वन लिया है इसको हम सी भी लिख सकते थे, सी वन लिखना चाहें तो सी वन लिख दें, या फिर अगेन हम लिख सी वन को रिप्लेस कर दें सी से, तब ये आर की पावर एन इंटू कॉस एन थीटा इज इक्वल टू सी की पावर एन आ गया। इतना भी छोड़ा जा सकता है, या शुरुआत से हम सी वन ही लिखें, क्योंकि पहले नहीं मालूम था कि हमें ज़्यादा कुछ सी वन इस कॉन्स्टेंट के साथ हमें कुछ नहीं करना है, तो हम सी ही लिखते और टेक सेटिंग कर दें यहाँ पर, सी वन की जगह पर सी लिख दें, और इस तरीके से हमारा ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ गया, विच इज इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री।
ऑर्थोगोनल, इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की डेफिनेशन और इसी से रिलेटेड वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।